मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देश आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गुलकंद बनाने का आसान विधि और गुलकंद के फायदे सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देश पांडे आई एम एम डी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी एंड माई व्हाट्सएप नंबर इज नाइन टू टू सिक्स एट 10630. So, चलो चलते हैं आगे गुलकंद बनाने का आसान विधि पहले में बताना चाहता हूं पहली पद्धत है कांच की सीसी में एक स्तर चीनी और उसके बाद एक स्तर गुलाब की पंखुड़िया इस तरह दो तिहाई सीसी भर लेना और वो जो बॉटल है वो कंटेनर जो है वो कड़ी धूप में 10-15 दिन रखने से क्या हो जाएगा शक्कर पिघल जाएगी और गुलकंद तैयार हो जाएगा इसी जो पद्धत है उसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन सविस्तर चर्चा अब हम करेंगे घर पर बड़ी आसानी से बिना किसी प्रिजर्वेटिव के फायदेमंद गुलकंद आप सब लोग बना सकते हैं गुलकंद बनाने के लिए क्या चाहिए आपको गुलाब की पत्तियां 250 ग्राम मिश्री या शक्कर 250 ग्राम चंद्रपुटी प्रवाल भस्म बीस ग्राम पहले थोड़े मिश्री फिर गुलाब की पत्तियां फिर मिश्री फिर गुलाब की पत्तियां इस तरह सारी पत्तियां और मिश्री एक कांच के कंटेनर में भर दे इसे ढक्कन लगाकर धूप में कड़ी धूप में रख दे दूसरे दिन मिश्री थोड़ी सी पिघल जाएगी इसे चम्मच से हिला ले इसी तरह बोतल को रोजाना धूप में रखें और एक बार चम्मच से हिला ले दस दिन के बाद मिश्री पिघल जाएगी और गुलाब की पत्तियां भी गुलकंद जैसी दिखने लगेगी तो क्या हो गया गुलकंद का प्रारंभिक रूप तैयार हो गया परंतु इसे पूरी अच्छी तरह बनने के लिए करीबन एक महीना लग सकता है धूप के ऊपर निर्भर करता है गुलकंद ठंडा होने के बाद ही उसमें चंद्रपुटी प्रवाल भस्म या इलायची का पाउडर या दोनों आप डाल सकते हैं इससे गुलकंद की जो शक्ति है और बढ़ जाएगी गुलकन के लिए गुलाब हमेशा खुशबूदार ताजा और देसी ही होना चाहिए देसी गुलाब ही फायदेमंद हो सकता है गुलकंद बनाने का और एक दूसरी पद्धत मैं आपको बता देता हूं गुलाब की पंखुड़िया 25 ग्राम और 100 ग्राम मिश्री पहले गुलाब की पंखुड़िया एक स्तर उसके ऊपर मिश्री का एक स्तर मिलाकर सिर्फ मिक्सर में डाल दीजिए बटन दबा दीजिए घुमा लीजिए और इंस्टेंट गुलकंद आपको घर में मिल जाएगा अभी जो तीसरी पद्धत है वो मैं ज्यादातर रेकमेंड नहीं करूंगा फिर YouTube के बहुत सारे चैनल में यह पद्धति है ठीक है इंस्टेंट है तो इंस्टेंट ही है फ्राइंग पैन में गुलाब की पंखुड़िया और चीनी मिक्स करके गैस के ऊपर रखकर बार बार मिक्स करते रहिए गैस के ऊपर गर्म करते समय ध्यान में रखिए बहुत सारे यूट्यूब वालों ने उसमें बताया है कि शहद डालिए मैं बिल्कुल उसके विरोध में आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आयुर्वेद ने शहद गर्म करने को मना किया है ध्यान से सुनिए मेरी बात आप कोई भी बोलिए वो शक्कर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए वो प्रिजर्वेटिव जैसे काम करता है नहीं भैया नहीं नहीं एक तो शहद गुलकंद में डालने से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि शहद उष्ण धर्म का है डालना ही है तो गुलकंद ठंडा होने के बाद मामूरी सा डाल सकते हैं ये तीसरी पद्धत इंस्टेंट है इंस्टेंट गुलकंद तो बनेगा फिर आप तो जानते हैं इंस्टेंट चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती जैसे ओरिजिनल नेचुरल जैसे मैंने पहली पद्धत बताई थी सूर्य की गर्मी से बनाया हुआ गुलकंद ज्यादा असरदार ही हो जाएगा क्योंकि वो नेचुरल पद्धत है गुलकंद में होने वाली गुलाब की पंखुड़िया शक्कर और प्रवाल ये सब मधुर रस और शीत वीरियम स्निग्ध गुण के पदार्थ हैं इसलिए पित्त की उष्णता और वात की रुक्षता कम हो जाएगी गुलकंद से ऊर्जा और बल प्राप्ति हो जाएगी गर्मी और थकान नष्ट हो जाएगी गुलकंद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं यह अभी प्रूव हो गया है रिसर्च के द्वारा। एंटीऑक्सीडेंट होने से एंटी एजिंग का काम यह गुलकंद करेगा शरीर में चुस्ती लाएगा गुलकंद शरीर में से विषैली तत्व टॉक्सिन्स निकालकर शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करता है इसलिए कैंसर 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 की बीमारी में जो केमोथेरेपी लोग लेते हैं उन सब पेशेंट ने गुलकंद लेना जरूर जरूरी है फायदा हो जाएगा लेकर देखिए बाल झड़ने कम हो जाएंगे गर्मी कम हो जाएंगी उल्टी कम हो जाएंगी गुलकंद केमोथेरेपी के दरमियान आप जरूर ले सकते हैं आप लोग दिमाग लगाने वाले काम करते हो या धंधे की वजह से आपको धूप में घूमना पड़ता है अग्नि के समीप काम करना पड़ता है नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है तो आप ये जो लोग हैं उन सब लोगों ने हर रोज गुलकंद लेना ही लेना चाहिए गुलकंद मस्तिष्क को शांत करता है मस्तिष्क को ठंडक मिलने के कारण आप कड़ी धूप की जो लू होती है सनस्ट्रोक उससे बच सकते हो सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत दूर हो जाएगी हाइपरटेंशन टेंशन भी कम हो जाएगा दिमाग ठंडा रहने से क्रोध अपने आप चला जाएगा मेंटल स्ट्रेस हो तो गुलकंद जरूर लीजिए आगे चलते हैं यहां अगर आगे चलेंगे हम आयुर्वेद के अनुसार रक्त पित्त बीमारी में गुलकंद बढ़िया दवा है शरीर में किसी भी मार्ग से रक्तस्राव की शिकायत हो तो गुलकंद जरूर लेना चाहिए नाक में से खून आता हो मूत्र मार्ग से खून निकलता हो हेमचुरिया बवासीर से ब्लीडिंग पाइल्स चमड़े से इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा आईटीपी इसमें भी चमड़े से खून निकलता है इकिमोसिस परप्यूरा उन सब पेशेंट ने गुलकंद लेना चाहिए महिलाओं जिसमें मासिक स्राव ज्यादा होता हो मेनोरेजिया उन्होंने गुलकंद लेना चाहिए गुलकंदशीत होने के कारण शरीर में कहीं भी होने वाला दाह कम करता है मस्तिष्क मस्तिष्क दाह है नेत्र दाह है। आप तो जानते हैं अभी हमारे सब लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है हम टीवी ज्यादा टाइम देखते हैं कंप्यूटर पर बैठते हैं मोबाइल में सदा सदोधित रहते हैं तो क्या हो जाता है थकान आ जाती है एस्थेनोपिया नेत्र बर्निंग आईज कंजाइबिटिस इसमें पेट में आप गुलकंद ले सकते हैं और आंख में गुलाब जल के ड्रॉप्स डाल सकते हैं सीने में या पेट में एसिडिटी के कारण होने वाली जलन है हाइपर एसिडिटी की जलन है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई गुदा गुद की जगह जलन होती है फिशर इन एनो परिकृति का गर्मी से हाथ पैर की जलन होती है रजोनिवृत्ति समय हॉट फ्लशेस निकलते हैं ये सब शिकायत गुलकंद लेने से आपको राहत मिल जाएगी गुलकंद में नेचुरल फाइबर्स होते हैं इसलिए वो कब्ज को दूर करता है।, साफ होने से पित्त की चली जाती है गर्भवती स्त्री बच्चों को भी कब्ज या बवासीर में आप गुलकंद बिल्कुल दे सकते हो गुलकंद खाने से किल मुहा से ठीक हो जाएंगे और त्वचा भी त्वचा तो की कांति या सौंदर्य बढ़ जाएगा नर्वस सिस्टम पर गुलकंद का अच्छा प्रभाव होता है जिससे मानसिक तनाव और टेंशन निकल जाएगा गुलकंद का लगातार उपयोग करने से जिन लोगों की आदत होती है बहुत तीखा खाते हैं मसालेदार खाते हैं रात को देर से सोते हैं ड्रिंक्स करते हैं दवा कॉम्बी लेते हैं एस्पिरिन लेते हैं तो गैस्ट्राइटिस हो जाता है पेप्टिकल्सर हो जाता है तो इन सब कौन सी भी वजह से आपको पेप्टिक कल्सर है गैस्ट्रिक अल्सर, डिओन अल्सर पेट में जलन है सीने में जलन है है, गुलकंद है। गुलकंद लीजिए। के उपयोग से शरीर की बदबू भी दूर हो जाएगी क्योंकि ज्यादा पसीना कम हो जाएगा गुलकंद की कीमत करीबन 400 ग्राम को पचपन रुपए है बहुत कम है मात्रा या डोज दो से चार चम्मच तीन या चार बार पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं आखिरी वाला जो पॉइंट है वो कौन सी भी वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा मेरे प्यारे दोस्तों ये मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे होने के कारण ये मेरे वीडियो में ये साइंटिफिक बातें आती हैं जैसे शहद कभी भी गर्म नहीं करना ये मैंने बताया है आपको मधुमेह या डायबिटीज के मरीज के लिए गुलकंद अच्छा नहीं क्योंकि शक्कर है उसमें स्थूलता ओबेसिटी कफज व्याधि ये ये जो गुलकंद है ना वो जिसमें डीजनरेशन है जीज हो गई है उसमें काम आता है अंडर न्यूट्रिशन में काम आएगा ओवर न्यूट्रिशन में काम नहीं आएगा ध्यान में रखिए जो सर्दी बार बार होती जाती है बलगम निकलने वाली खासी है, वेट कफ ज्यादा खाने से अजीर्ण हो गया है गुलकंद मत लीजिए मेरे और दो वीडियो मैं इस, इस फोटोग्राफ से आपको दिखाना चाहता हूं ये ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो गर्मी के दिनों में समर के दिनों में मेरे तीन वीडियोस बहुत ही आपको काम आ जाएंगे इसमें कड़ी धूप में क्या होता है विष और क्या होता है अमृत कौन सी चीजें आहार विहार के बारे में मैंने बता दिया है आप जरूर यह वीडियो देखिए गर्मी की बीमारियां और घरेलू आसान उपचार दस बारह मेडिकल हर्बल प्लांट्स घनवटी आपको बता दिया है ये भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ये तीनों वीडियो आपको बहुत काम आ जाएंगे ये तो डिस्क्लेमर की बात है जो भी मेरे, मेरे को जो बनाता हूं, तो जानकारी के लिए है वैधानिक इशारा कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है थैंक यू वेरी मच आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप मेरे को प्रोत्साहित करते हैं आप मेरे वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिसके द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर देश को बहुत ऊर्जा मिल जाती है बार बार अनेक अनविधिक क्योंकि मेरे वीडियोस जो है विद्यार्थी के लिए है प्रोफेसर्स के लिए है डॉक्टर्स लोगों के लिए है और सामान्य पेशेंट के लिए भी है जिसको कुछ भी मेडिकल सलाह चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं नाइन टू टू सिक्स एट वन जीरो सिक्स थ्री जीरो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सब लोगों को शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट प्लीज टेक केयर थैंक यू वेरी मच बाय बाय ऑल द बेस्ट टू यू डियर